कि यहाँ पे मैं इनकी सेवा करूँगी और आगे भी मैं सेवा के लिए इनके साथ ही दिल्ली तक जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी सरकार इनकी मांगे पूरी कर दे तो उतना ही अच्छा है, ठीक है, इतने इंजर्ड ना हो लोग। इतनी हिम्मत है इनकी, इतनी हिम्मत देख के मेरे में इतनी ज्यादा हिम्मत जागी कि मुझे अपनी दर्द ही नहीं दिखाई। और उसके बाद हमने यहाँ पे आके 300 से 400 लोगों को अभी तक ट्रीट कर दिया है। तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, किस तरह से जो है मेडिकल सर्विसेज वहाँ यहाँ पे चल रही हैं। और देखिए बड़ी बात है, जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं ये खुद इनके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सेवा कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर इस समय मौजूद हैं और डॉक्टर हिना हमारे साथ हैं। डॉक्टर हिना, हम देख पा रहे हैं कि खुद जो है इनका एक पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिना है यहाँ पे और डॉक्टर हिना जो है वो लोगों का ट्रीटमेंट कर रही हैं बड़ी ही शिद्दत से। ये देखिए आप किस तरह से जो है वो तैयारियां यहाँ पे हो रही हैं, तमाम प्रकार की मेडिसिन्स जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। आपके पैर को क्या हुआ? मेरा 2 महीने पहले इंजरी हो गई थी, लिगामेंट इंजरी हो गई थी एक्सीडेंट से। तो डॉक्टर साहब उसके बावजूद भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, मेरे को मैंने देखा आपको कल भी परसों भी, मतलब आप बैठे हैं यहाँ पे, मुझे लगा कि एक दिन शायद आगे होंगे यहाँ पे सेवा करने के लिए फिर निकल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, मैं पूरा एम लेके आई थी कि यहाँ पे मैं इनकी सेवा करूँगी और आगे भी मैं सेवा के लिए इनके साथ ही दिल्ली तक जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी सरकार इनकी मांगे पूरी कर दे तो उतना ही अच्छा है, ठीक है, इतने इंजर्ड ना हो लोग, ठीक है, इतना लंबा समय तक ना जाए, पर जब तक ये सब यहाँ हैं तब तक मैं इनके साथ ही रहूंगी। सब बड़ी बात है, फार्मर्स हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन ठीक था, आप भी यहाँ पे आए हैं, कुछ मन में है बात? बिल्कुल, जैसे मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ और नर्सिंग स्टाफ की वजह से मेरे मन में वो दया भावना भी है। मेरे खुद के इंजरी हुई थी, इवन मैंने पेन हो रही थी मेरे, तो मैंने अपनी जॉब से भी छुट्टी ली थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जॉब वाले मुझे निकाल देंगे कि क्या करेंगे, पर फिर उसके बाद जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि यहाँ पे जो नौजवान पीढ़ी है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको इतनी चोटें आई हैं, इतने घायल हुए इतने बुरे तरीके से, तब भी उनमें उतना जज्बा, इतनी हिम्मत है, वो आगे तक लड़ने जा रहे हैं, उनकी हिम्मत को देख के मेरे अंदर भी वो हिम्मत आई। क्या बात है, मतलब नहीं, एक पैर जो है आपका बंधा हुआ है, ये बैंडेजेस बंधी हुई हैं, लिगामेंट टूटे हुए हैं, आपको भी दर्द हो रहा होगा, मतलब अगर जाएंगे डॉक्टर के पास वो भी कहेंगे कि आराम ही करना है। बिल्कुल, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट के लिए बोला भी हुआ है, मैं प्लान कर रही थी अपना ऑपरेशन, बट मुझे अभी जैसे रेस्ट के लिए भी बोला था, बट इतनी हिम्मत है इनकी, इतनी हिम्मत देख के मेरे में इतनी ज्यादा हिम्मत जागी कि मुझे अपनी दर्द ही नहीं दिखाई दी। अच्छा, फैमिली सपोर्ट कर रही है आप?
फैमिली थोड़ी टेंशन में तो होती है, फिर भी चलो लड़की हूँ फिर भी होती है, बट वो सपोर्ट करती है, उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मान, मुझे बहुत ही मान मिला, सत्कार मिला बड़ों से अपने, और खास करके सरबद्दा पला जो संस्था वाले हैं, इन्होंने आके स्पेशल ये टेंट का इंतजाम किया, नहीं तो हम पिछले दो दिनों से धूप में ही बैठे, हाँ अभी तक दो दिन से धूप में थे, इवन रेस्ट भी नहीं की थी हमने, दो दिन से हम सोए नहीं है, लगातार लगे हुए हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे आके 300 से 400 लोगों को अभी तक ट्रीट कर दिया है, 100 से 150 लोग इंजर्ड थे बहुत बुरी तरह से, और इन्होंने हमारे पास दो बार मेडिसिन का स्टॉक खत्म हुआ, इन्होंने मेडिसिन का स्टॉक भी ला के दिया, बैठने के लिए चेयर्स टेबल, ये टेंट का इंतजाम भी इन्होंने किया, इवन अब ये हमारे रेस्ट करने का भी इंतजाम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हो भी गया। और भी भाइयों बहनों ने दूर दूर बैठे विदेशों में भी, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है, दवाइयाँ वहाँ से भेजी हैं, कुछ जलंधर से भी आए थे और कुछ होशियारपुर से भी, और भी कई काफ़ी जगह से आए हैं और आके हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं, सरकारें कब तक ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्या सरकारें कहती हैं, किस तरह से किसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हैं, टीयर गैस छोड़ी जा रही है। बिल्कुल देखो मुझे इनका जो इनकी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स बिल्कुल जायज़ हैं, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए इनकी डिमांड्स बिल्कुल जायज़ हैं, ठीक है। और जो सरकारें यहाँ पे कर रही हैं वो अथरु गैस के गोले छोड़ रहे हैं, और पायरेट्स गन जो कि इन्होंने खुद ही बैन की हुई है और वो खुद ही यूज़ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये मोर्चा लगा के सड़कों पे बैठे, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये खुद क्या कर रहे हैं, ये खुद भी तो अपने ही रूल्स के खिलाफ जाके किसानों के साथ लड़ रहे हैं। और ये किसान जो है सबर संतोख के साथ आगे जाते हैं, इनके पास ना कोई हथियार है ना कुछ है, और फिर भी वो बिना हथियार के जो निहत्थे लोगों को इतना ज़्यादा मार पीट रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। डॉक्टर साहब किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब आ रहे हैं लोग? बिल्कुल बहुत ज़्यादा कल से लोग आ रहे हैं, 100 से 150, 200 आज के भी मिला के 200 इंजर्ड लोग मेरे पास आ चुके हैं, जिनमें छर्रे वाले लोग भी थे जिनकी छोटी छोटी लोहे की गोलियाँ कितनी डीप तक गई हैं, इतनी ज़ोर से लगते हैं कि पूरा शरीर छन्नी कर देते हैं वो, हाँ गोली अंदर तक गई है, वो जो एक बॉम्ब फेंकते हैं उसमें से छर्रे निकलते हैं, लोहे की छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं 1-2 इंच की, जो कि इतना डीप जाती हैं कि उनके शरीर को छन्नी कर देती, और मैंने वो कितनी निकाली, एक बंदे के मैंने 15 से 20 निकाली हैं, और उसमें से 2-4 ऐसी रह भी गई जो नहीं निकलती थी, ज्यादा डीप चलेगी, उनको मैंने रेफर किया। ये कुछ इनह्यूमन नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, हम तो जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते, हम कौन सा पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं, इंडियंस ही इंडियंस के साथ ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, बहुत गलत बात है सरकार की, ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको इंडियंस को सपोर्ट करना चाहिए, इन्होंने तो पंजाब को ऐसे अलग करके फेंका हुआ जैसे पता नहीं क्या है। क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी, एक तो वो पायरेट गन्स का बिल्कुल भी यूज ना करें, बैठ के इस बात का सोल्यूशन निकल सकता है, ऐसे मार कुटाई ना करें, निहत्थे लोगों को अपने हथियारों से ना मारें, और सपोर्ट करें हमें भी, और हमारे बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, इतना बुरा सलूक ना करें, और पायरेट गन का यूज ना करें। बहुत धन्यवाद ब्रदर।